दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी, जो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से धो ली हूँ और उसको अच्छे साफ कपड़े से इसे मैंने साफ कर ली, पोंछ ली हूँ, ताकि उसमें कोई पानी ना रहे। ठीक है, अब हम इसको लंबी लंबी इस तरह से काट लेंगे। ये पूरी कट हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून बेसन। अब मैंने इसमें खोपरा, दलिया और सिंग दानों को भून के अलग से फिर पीस के इसमें मिक्स की हूँ। एक नींबू का रस इसमें मिक्स करेंगे। इन सब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब एक कढ़ाई में हम तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर। जब तेल अच्छा गरम हो जाए, फिर अब हम उसे लो फ्लेम पे करके धीरे धीरे करके भिंडी डालेंगे। पूरी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, और जैसे ही वो लाल होने लगे, कड़क होने लगे, आप उसे निकाल लीजिए और सर्व कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी पूरी अच्छे से तैयार हो गई, एकदम मज़ेदार कुरकुरी खाने में। आप भी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।